इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन उससे ज्यादा वो निर्लज्ज है और बेहद सांप्रदायिक है। इस बात की पुष्टि खुद नरेंद्र मोदी ने आज अपनी चुनावी सभा जो राजस्थान में थी उस दौरान दे दी। नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है, आपको सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम लीग, मुगल रूल, मीट, मुर्गा, मछली, यही सब दिख रहा है। और हमने भी ठान ली है कि चुनाव तो इस बार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के हक, श्रमिकों के लिए न्याय, औरतों की सुरक्षा, हाशिए पर लोगों के हक का जो हनन हो रहा है उसी पर होगा और हम उसी पर टिके हुए हैं। लेकिन आप एक भी मुद्दे की बात नहीं करना चाहते। आज लेकिन आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर, कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं, अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। असलियत यह है कि आपको मंगलसूत्र का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एक औरत जब मंगलसूत्र पहनती है ना, तो वो जन्म जन्मांतर के लिए दाम्पत्य के उस सूत्र में बंध जाती है जिसका सबसे पवित्र, सबसे पावन प्रतीक मंगलसूत्र होता है। इस देश के करोड़ों लोग पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से दाम्पत्य के सूत्र को, दाम्पत्य के संबंध को निभाते हैं। आपको मंगलसूत्र पर इतनी घटिया गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि हम औरतों का मंगलसूत्र लेकर लोगों में बांट देंगे। ये सिर्फ एक जेवर, एक गहना नहीं होता है, ये दाम्पत्य का वो प्रतीक है जो औरत धारण करती है और पूरी निष्ठा से उस धर्म को निभाती है। आप भले इसको ना समझिए, लेकिन इस देश के करोड़ों महिलाओं का, करोड़ों ब्याहताओं का आपने आज घोर अपमान किया है और आपको माफी मांगनी चाहिए। अपने 10 साल के शासन काल में आपने किसानों का, श्रमिकों का, युवाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, हाशिए पर रहे लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है, उसके अंत का वक्त आ गया और चुन चुन कर वोट के माध्यम से आपसे हिसाब लिया जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बिल्कुल जातिगत जनगणना की बात है और हम डंके की चोट पर कहते हैं कि पिछड़े, दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों के साथ साथ सामान्य वर्ग के, सामान्य कास्ट के, ठाकुर ब्राह्मण जैसी कास्ट के भी उन गरीब लोगों के साथ न्याय होना चाहिए जो समाज के हाशिए पर है। असल में तो लोगों की जेब पर डाका आपने डाला, लूटा खसोटा आपने, लोगों से जबरन वसूली करके अपने मित्रों की जेबें, उनकी तिजोरियां आपने भरी और अब आप निहायत ही घटिया बात करने पर उतारू हो गए। अरे थोड़ा तो बोलने से पहले सोचा करिए कि आप इस देश के प्रधानमंत्री, आज पूरा देश स्तब्ध है कि एक चुना हुआ प्रधानमंत्री ये कह कैसे सकता है, लेकिन इसी देश ने चुना भी तो आप ही को है। खैर, अब समझ में आ गया है, बस थोड़े ही दिनों की बात है, लेकिन जाते जाते ऐसी बात मत कीजिए कि पूरा देश पानी पी पी कर आपके शब्दों को, आपके बयानों को और आपकी घिनौनी गंदी सोच को कोसे। वही हो रहा है आज।